There is a debate over the Delhi riots that's going on at this point in time. देखा जाए तो 4 से 21 घंटा बर्बाद हुए थे सर, 15 लोकसभा में सर 800 घंटा बर्बाद हुए थे सर, सर 15 लोकसभा में सिर्फ 6 सेशन में 124 आवाज सर बर्बाद हो चुके थे सर, ये बरकर पहले से ये है, लेकिन सर आप तय करें किसी हालत में ये निपटना चाहिए, इसको समाप्त कीजिए। हम भी चाहते हैं कि सदन की मर्यादा को पूर्णता देकर हम सब सदन की गरिमा को बरकरार रखें, क्योंकि सर हम यहाँ आते हैं कोई मतलब चर्चा करने के लिए, सिर्फ हमारा मकसद होता है चर्चा करना। हम यहाँ कोई तकलीफ देने के लिए आपको या सदन की गतिरोध करने के लिए हम यहाँ कोई मकसद लेके नहीं आता, लेकिन हालात ऐसा हो जाते हैं जिसको काबू में हम भी नहीं रख पाते, आप सत्ता पक्ष भी नहीं रख पाते, तो किसी किसी समय ऐसा हो जाता है सर। इसके चलते हमारे 7 मेंबर को सर निलंबित किया गया। सर मेरी एक आपसे दरखास्त है सर कि हो सकता उसने कुछ गलती की होगी, मैं ये नहीं कह सकता किसी ने कोई गलती नहीं किया, लेकिन इसके पीछे तफ्तीश होना चाहिए, इसके पीछे तफ्तीश होने के बाद आप निर्णय लीजिए, क्योंकि सर अगर ऐसा लगता है कि एक घटना के लिए सर सारे सत्र अगर निलंबित हो, ये सर ज्यादा हो जाते हैं सर, एक कबूतर मारने के लिए उम्र का साझा ना हो, ये भी मैं जरूर कहूंगा। तो सर ये मैं कहता हूँ सर, सारे जो हमारे 7 मेंबर निलंबित, सर हमारी जो 7 मेंबर निलंबित हो चुके हैं उसको सर वापस ही लाया जाए और सदन के सुचारू रूप से परिचालन किया जाए, ये सर आपसे मेरा दरखास्त है। सीआर बालू जी, it is, we feel glad that you are adorning the chair of the speaker today. You were very upset, it seems, for the past 1 week, but today we are all happy, and it is better. You should not have any concern over this. These are all very small issues when compared to the things which are all happening in the lower houses of various states. But at the same time, sir, the Honorable Speaker has taken a decision to name the members of parliament who have gone wrong, who was committed misconduct. According to 373, the intention of the Speaker was for only one day, whereas my friends in the opposition, the ruling party, has taken it as an advantage. They have brought the resolution under 374. That is why it has extended to the one full session. So anyhow, things are coming to an end. I think Honorable Speaker, with the great heart, kindly condone all this misconduct and see that all the 7 members of the Congress should be brought to house without any further delay, sir. Thank you very much, sir. Saji. सबसे पहले सारे सदन की खुशी है कि आज आप वापस पीठासीन हुए, ये आपका स्थान है और आपने अपना स्थान ग्रहण किया है। आपके बिना इस सदन की मर्यादा कम हुई, हम सबके मन में बहुत पीड़ा थी कि आप के मन में इतनी पीड़ा हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा तफ्तीश की जाए, अब तो तफ्तीश की कोई बात ही नहीं है। आपने जो बड़प्पन दिखाया आज ऑल पार्टी मीटिंग में, वो सबके सामने उसका इजहार हुआ है। आपने बड़प्पन दिखा के आपने खुद अपनी तरफ से कहा कि होली के सौहार्द के एक वातावरण में सब भूल चूक माफ करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं तो फिर भी सदन को यही गुजारिश करूंगा बड़ी पार्टियों को कि हम छोटी पार्टियों से कुछ सीख लें। बीजू जनता दल और भी कई पार्टियां हैं जो कभी कभी वेल में नहीं आती हैं, कभी डिस्टर्ब नहीं करती है, आज तक नहीं किया है, तो इसलिए कुछ हम लोगों से बहुत छोटी सीख कुछ हम भी दे सकते हैं, तो हमसे लीजिए। और आदरणीय स्पीकर महोदय, आज वापस आप पीठासीन हुए इसलिए हम बहुत खुश हैं और आशा करते हैं कि जिस तरह से पार्लियामेंट के पहले 2 सत्र चले थे जिसमें कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था और सारे देश ने इसकी चर्चा की, राष्ट्रपति जी ने इसकी चर्चा की एवं इसकी वाहवाही हुई है, तो ये वाहवाही आगे चलती रहे आपके लीडरशिप में, हम यही आशा कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर स्वागत राय जी। सर, मे आई जॉइन रेस्ट ऑफ माई कोलीग्स इन थैंकिंग यू फॉर
coming back to your chair of high honor. The house was feeling like an orphan without your presence. There was nobody to protect our rights and interests. We are happy that the father of the house, the leader of the house, please don't do nitpicking. What you're doing is called nitpicking in English. Appreciate the sentiment. Sir, we had a very fruitful meeting in your chamber, and fortunately we came to the conclusion that all well that ends well. We discussed the incident in the house over the last week, and we also came to the conclusion that what had happened was not desirable. It is the duty of all of us to uphold the dignity and majesty of the house, which is the representative of the people of this country. And I'm sure that after today, that atmosphere will remain, that we shall all strive to keep harmony in the house, refrain from any action that impinges on the dignity of the house and the unity of the members. We as opposition, sir, would raise our small issues, our demands, like we have been demanding for discussion on the Delhi riots, which will happen today. But our party, our Chief Minister Mamata Banerjee has instructed us not to leave the well. So even if we are leaving, not to go into the well, even if we are leaving the seat sometime, it is actually in violation of what she said. So we commit to you that we shall cooperate with you in keeping the dignity of the house. In this context, I refer to my friends from the Congress benches who have been suspended under a motion moved by the Parliamentary Affairs Minister. I do not defend whatever they said, but whatever they did, but they are members of the House elected by more than 1.5 million people. Their absence in the House would deprive that large section of people from being represented in the House. So at the end of it all, with you back in the chair, with your magnanimity, your generosity, please call back our young friends back to this House. Let this House be a composite whole again with you in the chair. Thank you, sir. Shri Rajiv Ranjan Singh Ji. Maniya Adhyaksh Mahoday, सबसे पहले आपको अपने आसन पर देख के हम सभी लोग प्रसन्न हैं, और जो पिछले कई दिनों से जो आप सदन में नहीं आ रहे थे, उससे पूरा सदन काफी दुखी था, और आज आप पुनः आसन पर विराजमान हुए हैं, इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। महोदय, ये सदन जो है, ये सदन देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था है, और यहां हमको हमारी जनता चुनकर भेजती है इस बात के लिए कि जो सांसद के रूप में संसद सदस्य जो हमारा दायित्व है उसका हम निर्वहन करें, कानून बनाएं, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस करें, पक्ष और विपक्ष करें। लेकिन कभी कभी हमको ये गलत फहमी हो जाता है कि इस तरह के व्यवहार से जनता बड़ा खुश हो रही होगी, पूरा देश देखता रहता है, लेकिन है नहीं ऐसा। जनता देखती है अगर, तो वो बहुत ही मजाक उड़ाती है कि इनको भेजा किस लिए और ये क्या काम कर रहे हैं। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमको ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए। आप इस सदन के संरक्षक हैं, हम सबों के संरक्षक, और संरक्षक के रूप में आपने पिछले 17वीं लोकसभा के गठन के बाद से
सदस्यों को संरक्षण देने का जो आपका दायित्व है. All right, that of course the discussion and debate over Delhi riots going on in the Lok Sabha at this point in time.